तो गाइस 2022 आ चुका है और फोन के प्राइसेस लगातार हाई होते जा रहे हैं और 10,000 के अंदर वाले फोन बहुत ज्यादा रेयर हो गए हैं। पर गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले जो कि 10,000 नहीं, ये आपको केवल और केवल 8,500 में देखने को मिल जाता है। तो जिन भाई लोग का बजट 10,000 के अंदर या फिर उनको बजट फ्रेंडली फोन चाहिए तो आज की वाली वीडियो आप ही लोग के लिए है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको ये फोन बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो गाइस जब तक इसको अनबॉक्स करते हैं, अभी तक आपने वीडियो को जाकर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और गाइस इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस ये है हमारे पास इन्फिनिक्स का हॉट 12 प्ले जो कि आपको 6,000 एमएच की बैटरी के साथ मिलता है, 6.82 इंचेस का डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो कि काफी अच्छा है। जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और अंदर देखते हैं। तो गाइस यहाँ आपको फोन मिल जाता है, फोन के ऊपर कुछ मेन फीचर्स लिखे हुए हैं। इसमें आपको यूनिसोनिक प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफी सही है, अप टू 7GB रैम। तो गाइस इसमें आपको 7GB रैम मिल जाती है, 4GB रैम प्लस 3GB वर्चुअल रैम जो कि काफी अच्छा है। इसको जल्दी से इसको साइड रखते हैं, इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो गाइस आप इसको जैसे रिमूव करोगे तो यहाँ सामने की तरफ आपको मिल जाएगा एक हार्ड प्लास्टिक केस जो कि फ्यूचर नाउ लिखा हुआ है। इसमें काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का हार्ड केस लग रहा है। इसके बाद आपको 1x गोल्ड वाला एक पेपर मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स हर बार डाल के दे देते हैं, पता नहीं क्यों। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएंगी जिसको आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। चार्जर की बात करें तो यहाँ आपको 10 वॉट का चार्जर दिया गया है जो कि थोड़ा स्लो काम करेगा। इसके बाद आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप सी चार्जिंग केबल जो कि इस बार इन्फिनिक्स ने अपग्रेड किया अपने आपको। हर बार इसमें माइक्रो यूएसबी देखने को मिलती है पर इस बार आपको सी टाइप चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। और गाइस इसके बाद आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल जो कि काफी ज्यादा क्यूट सा अच्छा लग रहा है। इस बार थोड़ा न्यू डिजाइन दी गई है सिम इजेक्टर टूल में, काफी ज्यादा प्रीमियम वाली फीलिंग ये हमको दे देता है। तो गाइस इसको जल्दी से साइड करते हैं और इसको अनरैप करते हैं, देखते हैं इसके फाइनल लुक। तो गाइस ये हमने पॉलिथीन को अनरैप कर दिया, ये आप देख सकते हो काफी ज्यादा प्रीमियम फोन यहाँ हमें देखने को मिल जाता है। बैक साइड की बात करें तो यहाँ आपको प्लास्टिक पैनल दिया गया है, बैक पैनल जो कि काफी सही है। ऊपर की तरफ आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे आपको प्लेन लुक दिया गया है, प्लस यहाँ आपको नीचे की तरफ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि थोड़ा बहुत मेरे को ऊपर लग रहा है, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। तो गाइस साइड्स की बात करें तो राइट साइड में आपको मिल जाता है पावर बटन प्लस वॉल्यूम एडजस्टर्स, नीचे की तरफ आपको एक लाउड स्पीकर मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक है प्लस माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे दी गई है जो कि आप डुअल सिम प्लस एसडी कार्ड के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया हुआ है। तो गाइस फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ आपको मिल जाता है 6.82 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो कि पंच होल डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और टीएसआर की बात करें टच सैम्पलिंग रेट की तो यहाँ आपको टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है 180 हर्ट्ज का जो कि काफी सही इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ब्राइटनेस की बात की जाए तो आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है जो कि देख सकते हो काफी सही इसकी ब्राइटनेस है। तो गाइस इसमें आपको हर बार की तरह XOS देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है। और इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ यूनिसोनिक T610 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप BGMI जैसे गेम्स वगैरह खेले हो तो आप काफी इजिली इसको यूज कर सकते हो। तो गाइस इसके कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ आपको वाईफाई कॉलिंग, डुअल 4G वोल्टी प्लस आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाता है। सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें पूरे सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, कोई भी सेंसर की कमी नहीं है, प्लस आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहाँ देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसके बैटरी बैकअप की बात की जाए तो आपको 6000 एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छी, अराउंड आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। पर इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि आपको इसमें चार्जर दिया गया है 10 वोल्ट का जो कि आपको इसको चार्ज करने में अराउंड 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे जो कि आपको बैटरी बहुत बढ़िया और चार्जर बहुत छोटा, तो कंपनी को थोड़ा सा चार्जर इंक्रीज करना चाहिए। तो गाइस ये माइनस पॉइंट यहाँ देखने को मिल जाता है कि आपको यहाँ 10 वॉट का चार्जर सिर्फ देखने को मिलता है। तो गाइस अगर कैमरे की बात की जाए तो यहाँ आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है रियर कैमरा प्लस आपको डेप्थ कैमरा मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट में आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो कि काफी सही है। दोनों तरफ ही आपको फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है इसमें, वैसे बैक में तो सब में आती है फ्लैशलाइट, फ्रंट में भी यहाँ आपको फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है जो कि आप नाइट टाइम पे काफी अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो। और गाइस वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ 1080 पिक्सल्स पे आप वीडियो शूट कर सकते हो 30fps पे जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सही है। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ फोटोज क्लिक किया इस फोन में से जो कि काफी ज्यादा सही फोटोज आई है। थोड़ा आपको यहाँ सॉफ्ट टोन देखने को मिल जाता है, व्हाइटिश टाइप की फोटोज है, पर इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सही फोटोज आई हैं। ये कुछ नाइट टाइम की फोटोज है जो कि आप देख सकते हो काफी सही फोटोज आई है नाइट में भी। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो ये वीडियो क्वालिटी आ जाएगी आपकी जो कि मैंने 1080p पे शूट किया 30fps पे, काफी सही वीडियो क्वालिटी आई है। तो गाइस इसकी स्क्रीन की बात की जाए तो काफी अच्छी स्क्रीन यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप फुल एचडी वीडियोस वगैरह यहाँ देखते हो तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इतना बड़ा डिस्प्ले, ऊपर से आपको पंच होल डिस्प्ले दिया गया है
तो काफी ज्यादा इसको एंजॉय करने वाले हो। साइड एंगल की बात करें तो यहाँ साइड एंगल से भी आपका व्यू काफी अच्छा आने वाला है, काफी बहुत अच्छा डिस्प्ले है इसका। तो गाइज मेरे हिसाब से ये वाला फोन काफी अच्छा लगा। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो ये आपको फोन जरूर बाय करना चाहिए। इसमें आपको पूरे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको 6000 mAh की बैटरी है, 6.82 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट, USB टाइप सी चार्जिंग केबल है, पंच होल कैमरे के साथ दिया गया, बहुत ही अच्छा सेट है। आपको ये वाला सेट जरूर बाय करना चाहिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जाके लाइक कर देना, और गाइज अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की अनबॉक्सिंग वीडियो लाता रहता हूँ। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।